हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। दिस इज नीरज शाह, यू आर माय चैनल। स्वागत करता हूँ आप सब मेरे यूट्यूब चैनल। तो गाइज, काफ़ी दिनों बाद व्लॉग के साथ, क्योंकि गाइज हम जा रहे हैं अंडमान एंड निकोबार। एक्साइटेड हूँ बहुत ज़्यादा। मैं, पापा एंड मम्मी जा रहे हैं, तो अभी जस्ट रेडी होंगे गाइज एंड निकल रहे हैं हम। तो 3 बज चुके हैं हमारी, हमें वहाँ पर रिपोर्ट करना है एयरपोर्ट में 4 बजे तक। तो निकलते हैं, जल्दी से रेडी होता हूँ एंड निकलते हैं गाइज। तो गाइज रेडी हो चुका हूँ मैं, एंड मम्मी भी रेडी हो चुकी है, पापा भी रेडी हो चुके हैं, एंड बैग भी पैक हो चुका है, एंड कुछ मिस नहीं हो रहा है, टाइम हो चुका है, एंड गाड़ी भी लिया भैया संजय भाई। तो चलते गाइस गाड़ी में। तो गाइस मैं ड्राइव करूँगा अभी। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं अभी एयरपोर्ट टर्मिनल 3 में, एंड वेट कर रहे हैं नवीन, अपना एक किसी फ्रेंड को भेज रहे हैं, तो उसके साथ जाएंगे हम। तो अभी डिपार्चर में एंट्री करेंगे अभी थोड़ी थोड़ी देर में। गाइस बोर्डिंग पास मिल चुका है और हमें जाना है अभी 41 गेट पे। इस पहुंच चुके हैं 41 में एंड वेट कर रहे हैं अभी फ्लाइट का। जैसे फ्लाइट आएगी हम अंदर जाएंगे। रूम कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। बस अच्छा लग रहा है, मस्त लग रहा है। तो गाइज़ हमारी फ़्लाइट ये नहीं है, ये है हमारी फ़्लाइट गाइज। और मैं अपना कदम यहाँ पे रखते हुए, यहाँ पे थोड़ी देर में फ़्लाइट टेक ऑफ करते हुए, यहाँ पे टेक ऑफ हो चुका है हमारा गाइज। एंड यहाँ पे क्या ही नज़ारा है, क्या ही प्यारा नज़ारा, रात का नज़ारा एक तरीके से। बस कोलकाता का क्या ही प्यारा नज़ारा गाइस, क्या ही प्यारा नज़ारा ऊपर से कोलकाता प्यारा लग रहा है गाइस। एंड कोलकाता में लैंड हो चुके हैं गाइस हम यहाँ पे कोलकाता के रनवे में। तो गाइस थोड़ी देर में यहाँ पे सारे पैसेंजर जो कोलकाता से अंडमान जाएंगे वो चढ़ेंगे अभी यहाँ पे, एंड फिर जाके ये प्लेन यहाँ से टेक ऑफ करेगा। तो गाइस प्लेन ने यहाँ पर टेक ऑफ कर दिया, क्या ही स्पीड में टेक ऑफ किया यार। और यहाँ पर हमें लंच मिला गाइस, लंच के साथ ये सीन। लंच और सीन और क्या चाहिए। एंड अब यहाँ पे एक आइलैंड दिखता हुआ है गाइस, एक नहीं यहाँ पे बहुत सारे आइलैंड दिख रहे हैं हमें। एंड फाइनली हम पहुँच चुके हैं गाइस अंडमान निकोबार के आइलैंड में। एंड यहाँ के गांव यहाँ पे भी यार मेरे को लगा नहीं था इतने घर होंगे। तो हम यहाँ पे लैंड करते हुए गाइस एंड रनवे में पहुँच गए, पहुंच गए फाइनली हम। ठीक है, और गाइस ये ट्रैक्टर आ रहा है, इसके ऊपर से हमें चढ़ के नीचे जाना है। तो गाइस बस से जा रहे हैं हम, और हमारे जो गाइड है वो भी आ चुके हैं एयरपोर्ट में तो पिक करने के लिए हमें। भाई यहाँ से कितना दूर है? यहाँ से 15 मिनट। अच्छा गाइस हम पहुंच चुके हैं होटल में, जा रहे हैं एंट्री कर रहे हैं होटल में। बाहर से इसका ये लुक है, और अभी अंदर जा रहे हैं हम। मम्मी की तो यहाँ पे फोटो ही ख़त्म नहीं हो रही, मम्मी बोल रही है अकेले की फ़ोटो खींच। अभी तक किसके साथ खींचे थे? अकेले तो खींचे थे, नहीं था पापा के साथ फोटो। तो फिर अब इसको तोड़ क्यों रहे हो? मम्मी की एक्टिंग अभी से स्टार्ट हो गई है। मम्मी बोल रही इतना मज़ा आया, इतना मज़ा आया, मम्मी रो गई व्यू देख के। तो गाइस ये है हमारा रूम, एंड जैसे कि आपने देख लिया होगा कि इतना मैसी इतनी जल्दी हो गया, तो सामान सारा फैला दिया एक तरीके से। और अभी 2 बजे हमारा गाइड आएंगे, तो अभी हो रहे हैं 12:30, तो 2 बजे तक का वेट करना, हमें रेस्ट करेंगे तब तक, एंड गाइड आएंगे हमें लेके जाएंगे, हमें नहीं पता कहाँ लेके जाएंगे बट लेके जाएंगे। और मम्मी की गढ़वाली अभी जा रही है। मम्मी ये दिखाओ एक बार, इधर आओ इधर आओ। मम्मी ये आपका घर नहीं लग रहा गाँव वाला? इधर आओ, आगे आओ। तो गाइस ऐसा लग रहा है ना मुझे कि मम्मी का गांव है ना, जो मतलब नानी का गांव, तो उनके घर से भी ऐसे दिखता था ना, सेम व्यू दिखता था एकदम सेम ऐसे ही। तो ऐसा लग रहा है उत्तराखंड में ही आ रखे हम, अंडमान निकोबार में नहीं। क्या बोल रहे हो मम्मी? अरे उनके वहां पे बीच में नदी है। ऐसा नहीं था, मतलब बीच में नदी यहाँ पे बीच में ना, बट वही है ना सामने फिर पहाड़ ऐसा, और वहाँ पे ऐसी जगह, बड़े पहाड़ मतलब। तो यहाँ पहाड़ क्यों होंगे?
तो गाइड आ चुके हैं गाइस, हम भी रेडी हो चुके हैं एंड निकल रहे हैं अभी। मम्मी भी रेडी होंगे, पापा भी रेडी होंगे, पता नहीं क्या पहना हुआ है। तो अभी कहाँ जा रहे हैं भैया? हम अभी सेलुलर जा रहे हैं। अच्छा, कितना दूर होगा यहाँ से? यहाँ से 10 मिनट का। और ये एरिया कौन सा है? ये नया गाँव है। नया गाँव। हाँ। तो गाइस हम पहुँच चुके हैं सेलुलर जेल। तो गाइस ये सेलुलर जेल का म्यूजियम है एंड गाइस ये मॉडल है जो सेलुलर जेल का पूरा मॉडल बना रखा है एंड ये है गाइस ओरिजिनल सेलुलर जेल। पूरा क्या ही प्यारा व्यू है गाइस, क्या ही प्यारा व्यू। यहाँ फांसी लगती थी गाइस। तो गाइस यहाँ पे फांसी लगती थी एंड ये है हमारा जेल जहाँ पे उनको रखते थे एक तरीके से। अरे यहाँ पे गेट्स हैं और ये गेट के अंदर देखोगे तो आप लोग एक छोटा सा कमरा है जो कि जिसे कैद खाना कह सकते हैं हम। और यहाँ पर जो भी फ्रीडम फाइटर्स थे उनको रखा गया था एक तरीके से और सालों सालों को यहाँ रहे हैं। मैं तो 5 मिनट ना रखा यहाँ पर, मेरे 5 मिनट बाद खराब हो जाए, देख के हालत ख़राब हो गई। बाहर निकलते हैं गाइस, नहीं तो कोई बाहर से बंद कर देगा। जहाँ से एंट्री हुई थी मुझे लगा वहीं से एग्जिट होगा, बट एग्जिट वहाँ से है नहीं। अब देखते हैं कहाँ से एग्जिट। तो भाई सेलर जेल आ चुके हैं, अभी हम निकल रहे हैं, पता नहीं कहाँ निकल रहे हैं, भैया बताएंगे जो भी बताएंगे। गाड़ी आ चुकी है। मम्मी पानी में भी जाओगे? पानी में लगा। तो क्यों आप क्यों आए फिर? पानी अच्छा मतलब बोट की बात की मैंने, मतलब वो बैग भी दे दो मेरे को। हाँ मैं बाद में जाऊँगा, पहले ही आपका पेट है और फिर आपने ये पहन लिया। मम्मी और पापा जा रहे हैं बिग आई में और मेरा है जेट्स की। तो जब मम्मी पापा वापस आएंगे तो मैं जाऊँगा। चल जाओ, चलो मम्मी, चलो चलो चलो। अरे क्या हो गया? धक्का नहीं दे रहा मैं। और दूर का रिकॉर्ड नहीं हो पाया इसलिए पास का इंतजार कर रहा था गाइस। और नीचे नीचे खिसक जाओ। चलो खुद कैसा हुआ? हाँ मजा आया या नहीं आया? मैं जेट स्की हो गया था एंड हालत बहुत ख़राब हो गई थी एंड अब यहाँ पे प्रोग्राम हो गया, एक पता नहीं कौन सा प्रोग्राम है, फ्लैग डे बोल रहा है शायद से। तो प्रोग्राम देखेंगे एंड देन हम यहाँ से घर को निकलेंगे, मतलब होटल रूम में। तो गाइस प्लान कैंसिल, सीधा जा रहे हैं हम रूम पे। तो गाइस डे वन एक तरीके से फिनिश हो चुका है, हम घर आ चुके हैं क्योंकि थक गई थी। मम्मी बोल रही थी कि रूम में चलो, तो अभी हम रूम में आ चुके हैं। कल मिलेंगे दूसरे व्लॉग के साथ, यह व्लॉग यहीं पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट पार्ट के लिए रेडी रहना गाइस।